अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से चंद रोज़ कबल अगवा किए गए पंजाबी ख़ानदान के चार अफराद की नाइशें मिल गईं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की मर्सेड काउंटी पुलिस का कहना है कि चंद रोज़ से इस ख़ानदान की तलाश थी। एक किसान के इतला के बाद चारों की नाशों को बरामद किया गया। मरने वालों में 27 साल जसलीन कौर, 36 साल सिंह, 29 साल अमनदीप सिंह और एक 8 माह की बच्ची शामिल है। अमेरिका ने ड्रोन हमलों की पॉलिसी में तब्दीली कर दी। व्हाइट हाउस ने इंसदादे दहशतगर्दी के ड्रोन हमलों से मुतल्लिक कवानीन को सख्त कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी दहशतगर्द को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी सदर की मंजूरी दरकार होगी। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप दौर में दहशतगर्दों को निशाना बनाने के इख्तियार निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए गए। सदर जो बाइडन ने तवील इंतज़ार के बाद खुफिया पॉलिसी पर दस्तखत किए हैं, जिसमें CIA और पेंटागन के लिए रिवायती जंगी इलाकों से बाहर किए जाने वाले मोहलिक ड्रोन हमलों और कमांडो छापों के ऐसे कवानीन को सख्त किया गया। ईरानी हुकाम के पुलिस हिरासत में वफात पाने वाली महीसा अमीनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर बताया जा रहा है कि महीसा अमीनी की मौत तशद्दुद से वाकया नहीं हुई, बल्कि इनके मुतअद्दिद अज़ा काम करना छोड़ गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की हिरासत में महीसा अमीनी अचानक गिर गई थी। फौरी तौर पर मसनूई सांस ना मिलने के बाद सूरत हाल पेचीदा हो गई और इनके दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। महीसा के वालिद का कहना है कि इनकी बेटी की टांगों पर तशद्दुद के निशान थे और इनकी मौत तशद्दुद से ही हुई है।